अगली खबर का रुख करते हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आजमगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश यादव और जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव से वहां पर मुलाकात करेंगे। आजमगढ़ की इटौरा जेल में बंद है रमाकांत यादव और वहीं पर इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। एक घंटे तक मुलाकात का कार्यक्रम है। लेकिन आपको बताएं महत्वपूर्ण बात, जहरीली शराब कांड में आरोपी है रमाकांत यादव और इसी प्रकरण में जेल में बंद। तो आपसे थोड़ी देर में आजमगढ़ पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव, जहां का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं संसद में, और उसी आजमगढ़ की इटौरा जेल पहुंचेंगे और विधायक अपने पार्टी के विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे और एक घंटे तक उनकी यह मुलाकात चल सकती है, ऐसा अनुमान है। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और फिर 3 बजे वो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए रवाना। जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात का कार्यक्रम, आपको सीधे आजमगढ़ लिए चलते हैं। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। नीतीश, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है अखिलेश यादव के आजमगढ़ पहुंचने के बारे में? अब 45 मिनट है कि 45 मिनट में आजमगढ़ की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे अखिलेश यादव और अब जेल पहुंचने में लगभग मिनट का समय और लगेगा। यानी जो नीतीश आपके पास, आपको अब दोबारा जोड़ेंगे, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे, कुछ डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में, लेकिन आपने जो कहा उसको मैं एक बार फिर से दर्शकों के सामने रख दूं। आप बता रहे हैं कि 45 मिनट बाद आजमगढ़ की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे अखिलेश यादव और आजमगढ़ की इटौरा जेल पहुंचेंगे और अपने विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे, और रमाकांत यादव पर आरोप है जहरीली शराब कांड में इन्वॉल्वमेंट का, इटौरा जेल में बंद है, वहीं पर जाकर अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करेंगे। एक घंटे तक ये मुलाकात हो सकती है। आजमगढ़ के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, आजमगढ़ के खुद MP रहे हैं अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, तो स्ट्रांग होल्ड रहा है अभी आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का, और वहीं से विधायक है रमाकांत यादव, जहरीली शराब कांड में आरोपी हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए लगभग 45 मिनट बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ की सीमा में दाखिल हुए हैं। नीतीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ राजेंद्र जी, जो अभी तक समय बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 2 बजे से पहले अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं जेल में मिलने के लिए। लेकिन आपको बताओ कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आजमगढ़ का ये दौरा कहीं ना कहीं 2 लिहाज से महत्वपूर्ण है राजेंद्र जी। लिहाज की अगर बात कर ले तो पहला ये है कि आजमगढ़ में 2024 को लेकर यादव राजनीति को मजबूत किया जाए तो ये अपने चहेते विधायक से मुलाकात का दौर नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ में जो उपचुनाव का एक बिगुल टूका गया था और उसमें समाजवादी पार्टी को हार मिली थी, उसको कैसे मजबूत किया जाए जो आने वाले दिनों में एक जीत का चेहरा फिर भी इनके सिर पर बंधे, इसका एक खाका भी खींचेंगे। दूसरा, जिस तरह से लगातार पूर्वांचल में कहा जा रहा है कि यादव राजनीति समाजवादी पार्टी की कही जाती थी, लेकिन इस जो पिछले चुनाव हुए और पिछले चुनाव के बीच में जो चुनाव हुए वो कहीं ना कहीं ये संकेत देने के लिए काफी है कि MY समीकरण में M यानी मुस्लिम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से थोड़ा दूर होता हुआ दिखाई दिया। और ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे अपने जो, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि जो उनके पक्ष में जो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है उसके दिशा में अखिलेश यादव इस मुलाकात के जरिए और इस दौरे के जरिए प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका नीतीश इन तमाम जानकारियों के लिए, और इसी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।